हेलो दोस्तों, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस। दोस्तों मैं बता दूं आपको, 19 और 20 फरवरी को गरीब नवाज की छठी है। मैं आपको बता दूं, ये उरुस जो है 809वां उरुस है और इस बार काफ़ी तादाद में लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हर साल करते हैं। हर साल बढ़ोतरी होती है, जैसे मैं आपको बता दूं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने एक GR पास किया था, जिसमें बताया गया कि काफ़ी तादाद में लोग इधर पे आएंगे। आने की वजह से ये हो सकता है कि कोई पॉजिटिव बंदा आ जाए और उसकी वजह से और दूसरे लोग को तकलीफ़ ना हो। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक रूल्स पास किया है कि अगर आपके पास कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट है तो ही आप दरगाह के अंदर जा सकते हैं, वरना आपको दरगाह के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। गरीब नवाज के चाहने वाले इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। चीता कैंप से भी काफ़ी तादाद में लोग निकलते हैं, चीता कैंप से बाहर से भी काफ़ी तादाद में लोग निकलते हैं। मुंबई से ज़्यादा लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमने नगर सेवक से बात की कि वहाँ के जो गवर्नमेंट ने ये एक अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद हमारे चीता कैंप और चीता कैंप के बाहर वालों को तकलीफ हो सकती है वहाँ पर पहुँचने में। तो नगर सेवक ने काफ़ी लोगों से बात करने के बाद एक कैंप अरेंज कराया, जो इसको फ्री कैंप रखा गया है गरीब नवाज तक पहुँचने के। शानू जी, एक बार फिर से स्वागत है। शानू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि गरीब नवाज के दरबार पर जाने वाले लोगों के लिए एक हेल्प सा आपने किया है, और वहाँ पर जाने के बाद जो परेशानी होती थी तो उससे पहले हमें जानकारी मिली और आपने हमें बताया। और ये जो कोविड टेस्ट का जो सिलसिला है चालू करवाया है, ये कितने बजे से कितने बजे तक होगा और कहाँ पर होगा, कब सर्टिफिकेट मिलेगी, किस तरीके से जाना है ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हुसैन भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को यही मैसेज हम देने के लिए जो है हम यहाँ पर एक कैंप लगाए हैं। जैसा कि आज से 3 दिन पहले कि सरकार की तरफ से जो है एक ऐलान हुआ है कि जितने भी, जैसा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो है उरूस मुबारक आ रहा है, तो उरूस मुबारक में जैसा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर उनके लाखों दीवाने चाहने वाले हैं, तो सब लोग जो है हर जगह से, हर स्टेट से जो है गरीब नवाज सरकार के दरबार में जो है हाज़िरी देंगे। तो इसी तरह हमारा चीता कैंप जो इलाका है, एक सलम इलाका है और एक बहुत बड़ी बस्ती है, और यहाँ पर जो है हमारे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के जो है चाहने वाले काफ़ी लोग हैं। तो यहाँ से भी हमारे भाई बहन बच्चे जितने भी जो लोग जो है जो गरीब नवाज से जो मोहब्बत रखते हैं, तो वो अजमेर शरीफ जाने वाले। तो सरकार की तरफ से ये निर्णय हुआ है कि जो भी वहाँ पर अजमेर शरीफ जाने वाले हैं तो वो कोविड टेस्ट रिपोर्ट बिना ना आए, और जिसके पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी उनको वहाँ पर दरगाह में और स्टेशन पर एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ को रखते हुए जो है हमने हमारे वार्ड ऑफिसर से, हमारे डॉक्टरों से जो है, और हमारे डॉक्टर MHO से जो है हमने मिलके बात करके जो है यहाँ पे फ्री कैंप यहाँ पे जो है अरेंज किया है। जैसा कि आपको मैं बता दूँ, 19 तारीख को जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह की जो है उरूस मुबारक है, छठी शरीफ है। तो उसी से पहले जो है 17 तारीख या 18 तारीख से जो है लोग जो है जाना चालू करेंगे, तो वहाँ पे बिना कोविड रिपोर्ट के जो है उनको वहाँ पे एंट्री नहीं रहेंगी। तो उसी के लिए जो है हमने सोचा कि यहाँ पे हम एक कैंप लगाए, ताकि यहाँ पे कैंप लगाने के बाद जितने भी जो दीवाने हैं जो जाने वाले हैं वो अपना कोविड रिपोर्ट जो है यहाँ से लेके जाए और वहाँ पे जाके उनको ज़्यारत करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर आज हमने ये कैंप लगाया है, आज का कैंप का ये कल का कैंप का जो है पहला दिन था, मगर हमने मस्जिदों में ऐलान किया है और इंशाल्लाह आज भी हम मस्जिदों में ऐलान करेंगे। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द जो है इसको वायरल करें, ताकि ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा लोग देखकर जो है यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, ये ट्रॉम्बे का जो क्लिनिक है, ये ट्रॉम्बे की क्लिनिक जो ट्रॉम्बे बस स्टॉप के जस्ट बाजू में है, ये वहाँ पर हमने टोटल तमाम चीता कैंप के रहवासी और चीता कैंप के जो बाहर जो रह रहे, अगर उनको भी जाना है तो यहाँ पे ट्रॉम्बे बस स्टॉप के पास आके जो ट्रॉम्बे बस स्टॉप के बाजू में जो क्लिनिक है वहाँ पे हमने ये कैंप लगाया है फ्री कोविड टेस्ट। तो आप आके यहाँ पे अपना कोविड रिपोर्ट टेस्ट करा सकते हैं, और कल आज कोविड टेस्ट होगा और कल इंशाल्लाह आपके हाथ में जो है वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। आइए राजा भाई, उनसे बाकी की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि गरीब नवाज का छठी है और बहुत सारे दुनिया से करोड़ों लोग उनके दीवाने हैं, चाहने वाले जो हर साल उरुस में पहुंचते हैं। इसमें छोटी सी मैं करेक्शन करूंगा आपको कि अब जो कैंप लगा है, इस कैंप सिर्फ जो छठी पर जाने वाले ही लाभ नहीं उठा सकते हैं, बाकी जो अदर रिलीजन है, हमारे हिंदू भाई है, सिख भाई है, क्रिश्चियन लोग हैं, उनके भी आउट ऑफ स्टेट जाना है, कोई मंदिर जैसे नासिक का शिरडी साई बाबा के यहाँ जाना है और वहाँ भी सर्टिफिकेट लग रहा है, तो वो भी यहाँ पर आके ले सकते हैं। यानी ये सर्वधर्म के लिए है, लेकिन उरुस शुरू है इसके लिए हमने खास करके उनका नाम लिया था। और दूसरी बात ये है, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं है,
जिसका मान्यता बहुत कम रहता है, इसलिए हमने RT-PCR टेस्ट रखा है, जिसकी रिपोर्ट जो है आज अगर आप टेस्ट करते हो तो अगले दिन सुबह जो है यानी 24 घंटे बाद आपको रिपोर्ट मिलेगा, और रिपोर्ट ये वैलिड है। आप कोई भी स्टेट में इस रिपोर्ट को दिखाकर जो भी आपका जो पिलग्रिमेज है, जो भी आपका जो दरगाह में जाना है या मंदिरों में जाना है, आप जा सकते हो। और इसके लिए आपको आधार कार्ड ही लाना है, आधार कार्ड के साथ आपको एक जेरोक्स भी लाना है और यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब मौजूद है, वो आपका टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट जो है आपको दे देंगे। एक रिक्वेस्ट ऐसी भी है आई हमारे पास कि बहुत सारे लोग जो है 16 तारीख ने 15-16 को निकल रहे हैं, तो कल संडे है, संडे इनका छुट्टी है, तो हमने शाहनवाज शेख नगर सेवक के बोलने पे स्पेशल परमिशन पे कल संडे भी शुरू करने वाले हैं। कल संडे शायद ये जगह नहीं रहेगा, नगर सेवक के घर के पीछे जो है शेड डाला है, शायद वहाँ बैठेंगे आप, हम लोग कन्फर्म कर देंगे आपको। आप लोग जो है इस यहाँ पर आइए, जो लोग को मालूम नहीं है मुंबई प्लस की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग को मालूम नहीं है वो लोग इधर पर आइए, फ्री RT-PCR टेस्ट करके जहाँ भी आपको जाना है ख्वाजा जी के दरबार में और मंदिरों पर आप जा सकते हो। शुक्रिया। जैसे कि देखा दोस्तों 809वां उरुस चल रहा है गरीब नवाज का, गरीब नवाज पे जाने वालों को जो तकलीफें छोटी मोटी परेशानी आ सकती थी उस पर अभी एक सलूशन निकाला है कि जो कोविड टेस्ट है उसके बारे में बताया गया है। एक जेरोक्स आपको लेकर इधर आना है, अपना कोविड टेस्ट करवाना है, नेक्स्ट डे आपको उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे ही आगे कोई भी खबर होगी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा।